दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैन कार्ड की। तो ज़रूरी है कि आप हमारी इस वीडियो को शुरुआत में जरूर ही देखें, लास्ट में आप चाहे स्किप करें या कुछ भी करें, लेकिन पहले इसको समझ लें कि आखिर मैं इस वीडियो में आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग नहीं समझेंगे तो निश्चित है कि आप लास्ट में हो सकता है कन्फ्यूज ज़रूर हों। यहाँ पर जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ वो पैन कार्ड की जानकारी रहेगी, और इसमें भी करेक्शन, अपडेट, सिग्नेचर, जो अंगूठा लगाते हैं, थंब, तो इस तरीके के जितने भी हैं, तो एक पैन कार्ड में मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। वो कैसे, वो आगे आप वीडियो में समझेंगे। देखिए, ऐसा हुआ था कि मैंने एक कैंडिडेट का एक पैन कार्ड बनाया था, जो कि मैंने बनाया था स्टैंड पैन कार्ड, जो इनकम टैक्स की वेबसाइट से डायरेक्ट बनता है, बिल्कुल फ्री आपका तुरंत बनता है। वो ऐसे लोगों का बना सकते हैं जिनके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक है। तो यदि आपके भी आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक है तो आप चाहें तो एक मिनट के अंदर अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। तो वही पैन कार्ड मैंने बनाया था। उसके बाद उस कैंडिडेट को वो ई पेन नहीं चाहिए था, बल्कि उसे चाहिए था फिजिकल पेन, जो प्लास्टिक का कार्ड होता है वो। अब स्टेट ई पेन में क्या था कि वहाँ पर जो कार्ड मिला था वो एक कागज़ का या ई पेन था, तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉपी थी, उसे प्रिंट करके निकाल दिया था, बाकी कुछ नहीं। तो वो कैंडिडेट को पसंद नहीं आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको वो प्लास्टिक का करके देना है, मतलब फिजिकल पैन कार्ड करके देना है। तो यदि आप ये जानकारी सीखना चाहें कि ई पेन को हम फिजिकल में कैसे बदलें, तो भी ये वीडियो आपके काम का है। दूसरा, जो बंदा वो था, तो उस बंदे का उसका जो सिग्नेचर वाला सिस्टम है वो सिग्नेचर नहीं करता, बल्कि वो अंगूठा लगाता है। तो उस बंदे को जब मैंने ई पेन बनाया था स्टैंड ई पेन, तो वहाँ पर उसके सिग्नेचर वगैरह कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही फिंगर की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जब मैंने उसे फिजिकल में बनाया तो वहाँ पर अंगूठा भी लगा उसका। तो एक तो आप ये भी सीख पाएंगे कि अंगूठा लगाने वाले लोगों का पैन कार्ड हम किस तरीके से बनाते हैं, दूसरा आप ये समझ पाएंगे कि हम पैन कार्ड को अपडेट कैसे करते हैं, क्योंकि इंस्टेंट ई पेन में फादर नेम जो होता है वो वहाँ पर नहीं भरा होता है, ना ही पैन कार्ड पर लिख करके आता है। लेकिन जब आप फिजिकल पैन कार्ड बनाते हैं तो वहाँ पर फादर नेम भी अपडेट होता है, तो फादर नेम भी अपडेट होगा, फोटो भी अपडेट होगा, सिग्नेचर या अंगूठे का निशान वो भी अपडेट होगा। तो कहने का मतलब है करेक्शन करना चाहें या अपडेट करना चाहें तो वो भी आप कर पाएंगे। तो कई जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। दूसरी बात कि आपने स्टैंड पैन कार्ड तो बना लिया, अब आप इसको UTI से करें या NSDL से करें। तो पहले दोस्तों ऐसा था कि आप यदि स्टैंड पैन कार्ड बनाते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ आप NSDL से ही कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने फिजिकल मोड में बनाया है UTI के थ्रू, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने इसको एक बार ट्राई करके देखा था, कोशिश की थी कि मैं बना लूँ। तो वहाँ पर जब मैं फिजिकल मोड में गया तो वहाँ पर सीधा उन्होंने लिख करके दे दिया था मुझे कि आपने ये जो पैन कार्ड आपका बना हुआ है, ये पैन कार्ड आपका ई पेन है, जो कि स्टैंड ई पेन के थ्रू बना हुआ है, तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मोड में ही बना सकते हैं OTP बेस पे। इसमें आप अपना फोटो चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर यहाँ पर अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, जब मैंने पैन कार्ड को बनाया बहुत ही ईजिली बन गया। तो चलिए, मैं वीडियो में आपको एक एक पॉइंट को क्लियरली वहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे उम्मीद रहेगी कि आप समझ भी पाएंगे। तो चलिए, हम वीडियो में देरी न करते हुए सीधा आपको समझाते हैं एक ऐसे पैन कार्ड के बारे में जिसमें अंगूठा भी लगा हुआ है, करेक्शन भी किया है, अपडेट भी किया है, ई पेन से फिजिकल में भी कन्वर्ट किया है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। लेट्स गो। और दोस्तों, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नहीं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज में हमेशा अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको CSC लॉगिन टाइप करना है अपने किसी भी ब्राउजर में, वो चाहे क्रोम हो, मोजिला हो, आप जहाँ पर भी अपना CSC पोर्टल चलाते हैं वहाँ पर आप CSC लॉगिन टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल यानी कि CSC में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे उसके बाद आपके सामने CSC का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से खुलकर किया जाएगा। डैशबोर्ड के खुलकर आने के बाद आप ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर जो सर्विसेज हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको सर्च सर्विसेज। यहाँ पर आपको सिंपल सा टाइप कर देना है पैन कार्ड, ठीक है। तो आप पैन कार्ड सर्विस जैसे ही लिखेंगे, तो पैन कार्ड सर्विस लिखने के बाद पैन कार्ड का जो UTI का जो क्या कहेंगे उसको हम डैशबोर्ड है या ट्रैकर है वहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ पर पैन कार्ड डॉक्यूमेंट ट्रैकर है, तो यहाँ पर लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे UTI के पोर्टल पर, जो कि लॉगिन करने के लिए आपसे पूछेगा। यहाँ पर आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके और UTI पोर्टल पर आप सीधा लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे कि UTI पैन कार्ड का पोर्टल जो है उसका डैशबोर्ड इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते थे इससे पहले कि हम अप्लाई न्यू पैन में जाते थे तो नया पैन कार्ड बनाते थे, लेकिन अब हमें आना है अप्लाई चेंज या करेक्शन में। और पहला जो यहाँ पर लिखा है रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन पैन डाटा CSF, तो इसमें जो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इस पहले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, मतलब पहला जो पॉइंट है उसी पर हम कर देंगे क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पूरा एक फॉर्म है पैन कार्ड का करेक्शन का, वो एक पूरा फॉर्म यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर जितनी भी जानकारी है वो मुझे दूसरे कैंडिडेट की भरनी है, तो मैं आपको वो जानकारी सभी शो नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वीडियो में जितनी भी पर्सनल डिटेल हैं
वो सभी हाइड रहेंगी, जैसे कि यहाँ पर पैन कार्ड नंबर है या नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर हाइड रहेंगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि यहाँ पर आपको चीज़ें दिख नहीं रही तो आप कन्फ्यूज हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर दो बार पैन कार्ड नंबर भर देना है। ऊपर आप देखेंगे जो मोड की मैं बात कर रहा था, जिसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, देखिए यहाँ पर लिखकर भी आ गया, योर पैन इज अलॉटेड थ्रू इंस्टेंट ई पैन फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई फिलिंग पोर्टल, अप्लीकेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू फिजिकल मोड ओनली आफ्टर प्रोवाइडिंग कम्प्लीट नेम। ओके, जब वो कम्प्लीट नाम अपना देगा तभी उसको फिजिकल मोड में हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, इन्होंने सीधा बता दिया है। अब हमें क्या करना है, बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड, तो इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि फिजिकल मोड, तो हाँ ऊपर की तरफ आप देखें मैंने फिजिकल मोड सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम सीधा सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमने पैन कार्ड नंबर, इसका मोड किस तरीके का रखना है, ई पैन रखना है, फिजिकल रखना है, तो ये सभी चीज़ें हमने भर दी हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये CSF फॉर्म हमारे सामने खुलकर किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो भी श्री श्रीमती या मिसेज जो भी लगाते हों वो आपको लेना है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर नाम अपने मर्जी से आप खुद से यहाँ पर फिल करें, ओके, या आपका ये जो पैन कार्ड नंबर आपने एंटर किया है तो ये डाटा तो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले से ही सेव है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी इस डाटा को आप मैनुअली उठा सकते हैं, खुद से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस डाटा को उठाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है पिकअप फ्रॉम ITD, मतलब पिकअप फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो इससे भी आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स डिटेल, तो यहाँ पर क्या करना है, पेरेंट डिटेल का जो एक बॉक्स आपको दिख रहा है छोटा सा पॉइंट, इस चेकबॉक्स को आपको टिक कर देना है। हालांकि पहले से ही टिक होकर के आएगा, वो इसलिए क्योंकि फादर्स नेम यहाँ पर पहले से आपने दिया नहीं था और ये समय पर मैंडेटरी है देना, तो ये आपको करेक्शन करना है। और इसी वजह से आप देखेंगे जो पिता का नाम है वो रेड कलर से हो गया, क्योंकि ये डाटा पहले नहीं था, अब यहाँ पर नया डाटा ऐड किया जाना है। अब पैन कार्ड में क्या है कि फादर नेम या मदर नेम एक ही नाम आपको जरूरी होता है, वरना तो आप जो भी चाहे अपने गार्जियन का नाम दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर फादर्स नेम ही देते हैं। उसके बाद जो मदर्स नेम है ये ऑप्शनल यहाँ पर दिया भी गया है, तो इसको हम नहीं भरेंगे, ठीक है। उसके बाद में किस नाम को आप रखना चाहते हैं, फादर नेम या मदर नेम, यदि आप किसी को भी नहीं लेंगे तो फादर नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आएगा, मतलब प्रिंट होकर के आएगा ही आएगा। उसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भरनी है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यदि आपने इससे जब पैन कार्ड को शुरुआत में बनाया था तो उस समय पर डेट ऑफ बर्थ कुछ और थी, अब चेंज हो गई, तो यहाँ पर आप कर भी सकते हैं, यहाँ पर करेक्शन भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज़ को आपको करेक्शन करना हो उस चीज़ का चेकबॉक्स आप टिक कर देंगे, जिसका नहीं करना है उसे आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देखिए आधार कार्ड नंबर नहीं हुआ, जेंडर नहीं है, बाकी चीज़ें चेकबॉक्स टिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेकबॉक्स कहाँ पे टिक हुआ था, पिता के नाम में, तो वो तो आपको करना ही करना है। अब यहाँ पर आधार पर जो नाम लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम वही नाम भर देना है। उसके बाद एक बार डिटेल आप चेक करना चाहें तो चेक कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो लिखा है नेक्स्ट स्टेप, इस पर आप क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट की डिटेल, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देने हैं, आधार कार्ड आपको देना है, ये आपने पहले भी दिया था, तो ये आधार कार्ड आपको देना है किस लिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, ठीक है। उसके बाद में लिखा है विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट आर यू सबमिटिंग एज एन फादर्स नेम प्रूफ, पिता के नाम के प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहेंगे, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर वोटर आईडी ही देना सही समझूंगा, तो मैं यहाँ पर वोटर आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जो भी डिटेल आपको देनी है या जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना चाहेंगे वो एक कॉपी होनी चाहिए, उसका हार्ड कॉपी आप भेज देंगे और सॉफ्ट कॉपी आप स्कैन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वोटर आईडी ही सेलेक्ट कर लेते हैं, पिता का जो नाम यहाँ पर अपडेट हुआ है उसके लिए। वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद ये सभी आप आधार कार्ड ही रहने देंगे। अब नीचे यहाँ पर पैन कार्ड का प्रूफ आप क्या देंगे, तो यहाँ पर हम कॉपी ऑफ पैन कार्ड दे देंगे, पैन कार्ड आपके पास होगा ही होगा, यदि नहीं है, आपका चोरी हो गया है तो आप रिप्रिंट कराना चाहते हैं तब भी आपको यही करना है, तो यहाँ पर कॉपी आप FIR आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर सीधा आ गया है पेमेंट के लिए, तो यहाँ पर जो पेमेंट का प्रोसेस रहता है वो तो आपको पता ही है, आप यहाँ पर फटाफट कर देंगे पेमेंट। और रही बात यहाँ पर चार्जेस की, तो चार्जेस यहाँ पर वही लिए जाएंगे जो आपके नए पैन कार्ड को बनाने में लिए जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पर पेमेंट सक्सेस होता है, तो पेमेंट के सक्सेस होने के बाद हमारे पास पैन कार्ड का जो अगला फॉर्म का जो अगला पेज है वो इस तरीके से खुलकर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस कम्युनिकेशन जो लिखा हुआ है इसे हम चेकबॉक्स को टिक कर देंगे, जो ये टिक है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखिए लिखा है रेसिडेंट, ये चेकबॉक्स जो है इसे हम टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से रेसिडेंट चुन लेंगे, आवासीय, अपना पता, और उसके बाद लिखा है नेम ऑफ द ऑफिस, तो ऑफिस का नाम हमें तब देना जरूरी है जब हम ऑफिस का एड्रेस दे रहे हों,
अब चूँकि यहाँ पर हम ऑफिस का एड्रेस दे नहीं रहे तो यहाँ पर हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। जो फ्लैट डूर ब्लॉक नंबर है ये मैंडेटरी, ये आपको भरना ही भरना है, इसे भर देंगे। उसके बाद में यदि आप शहर से हैं तो शहर के हिसाब से आप अपना एड्रेस भर देंगे, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण के हिसाब से। ग्रामीण में क्या है कि जैसे कि विलेज का नाम, पोस्ट, अपना तहसील लिख देंगे, ब्लॉक लिख देंगे, तो ये चीज़ें सभी भरेंगे। उसके बाद में टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट में अपना ज़िला लिख देंगे, पिन कोड भरेंगे, और इतनी डिटेल भरने के बाद आप एक बार इन्हें वेरीफाई ज़रूर करें, हो सकता है कोई चेंजेस या कुछ आपने गलत फीड कर दिया हो। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ, इफ़ यू डिजायर टू अपडेट योर अदर एड्रेस ऑल्सो गिव रिक्वायर्ड डिटेल इन एडिशनल सीट। यदि आप अपना कोई दूसरा एड्रेस यहाँ पर फिल करना चाहें या देना चाहें तो इस चेकबॉक्स को टिक करके आप दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है तो इसको हमें छोड़ देना है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। नीचे यहाँ पर आएंगे, लिखा हुआ है टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी, तो इस चेकबॉक्स को हम टिक कर देंगे। अब ये इसलिए क्योंकि इससे पहले जब हमने पैन कार्ड को बनाया था तो वहाँ पर हमने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कुछ नहीं दिया था, तो ये हमें एक तरीके से अपडेट कराना है या करेक्शन कराना है, तो इसको हम चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। मोबाइल नंबर भर देंगे, ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी ज़रूर दीजिएगा, और बल्कि ये मैंडेटरी है, दोनों चीज़ें आपको देनी जरूरी हैं, लेकिन ऐसी दीजिए जिस पे आपको ई पेन मिल सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर ईमेल आईडी भर दी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर मिसमैच, तो यहाँ पर फोटो सिग्नेचर ऑटो टिक लग करके आए, वो इसलिए क्योंकि आपको फ़ोटो भी देना ज़रूरी है और सिग्नेचर भी देना ज़रूरी है। अब यहाँ पर पैन वन में आपको पैन कार्ड नंबर अपना दे देना है, बाकी के 2, 3, 4 ये जो हैं इनको छोड़ देंगे मेंशन, और इसको चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। और ये सभी चीज़ें तो आप पहले से ही जानते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कितने डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा रहे हैं, तो आप खुद से देखिएगा। एक तो आप यहाँ पर अपना लगाएंगे आधार कार्ड, एक लगाएंगे पैन कार्ड, एक लगाएंगे आप वोटर आईडी, तो यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट हमारे हो गए, ठीक है। उसके बाद में प्लेस में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर भर देंगे, डेट ऑटो फिल होकर के आएगी, उसके बाद आप कर देंगे सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है इसे एक बार आप देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। जो भी डिटेल आप भरें उसको एक बार रीचेक जरूर करें। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म पे क्लिक करके अपने इस पीडीएफ फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आपका ये फॉर्म डाउनलोड होता है, डाउनलोड होने के बाद इसे आपको करना है प्रिंट। तो चलिए वो सभी डिटेल जितने भी हैं आगे हम आपको बताते हैं किस तरीके से हम इसे प्रिंट करने के बाद इसमें हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, हमने इस पेन जो हमारा पेन फॉर्म था इसमें हमने दोनों तरफ फ़ोटो लगा लिए जिस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर अंगूठे का निशान लगवा लिया, और अंगूठे का निशान लगवाने के बाद अब चूंकि अंगूठे का निशान यदि आप पेन कार्ड में लगवाते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी रहता है कि आप किसी गजटेड ऑफिसर से या मतलब किसी ऑनरेबल पर्सन से आप उसको एक बार वेरीफाई जरूर कराएं। लेकिन आपको क्या करना है कि आप किसी गजटेड ऑफिसर या इन लोगों के पास न जाकर के आप क्या करें कि आप अपने जनसेवा केंद्र की जो मुहर है उसे आप लगा सकते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्म में लगाई है, ठीक है। हमने डॉक्यूमेंट को इस तरीके से स्कैन किया, जिस तरीके से हम सिग्नेचर बार बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे भी बनाना है। बस अंतर इतना रहेगा कि इस पर हमें अपने जनसेवा केंद्र की मोहर लगानी है, और जितने भी डॉक्यूमेंट आपके होंगे हर एक डॉक्यूमेंट पर आपको लगानी है। तो चूँकि ये हमारा पहला पेज है तो इसको हमने स्कैन कर लिया, इसको हमने स्कैन किया है यहाँ पर, और इस पर हमने ये मोहर लगाई है। अब चलिए हम अगला डॉक्यूमेंट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इसे हम एक बार स्कैन करने के बाद अगले डॉक्यूमेंट को भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने मोहर सब में लगाई है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये सभी सेटिंग हम कर लेंगे। जैसे कि 150 DPI में आप इसको स्कैन करिए, हालांकि 200 में बताया जाता है लेकिन आप 150 में करिए, जिससे कि आपका जो फोटो कॉपी है जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, इनको भी आप अच्छी तरीके से ग्रे स्केल में स्कैन कर पाएँ। अदरवाइज यदि आप 200 DPI में करेंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमने इस पहले पेज को पूरा पेज पहला हमने स्कैन कर लिया। आप ऐड आर एडिट पेज वाला जो टिक है इसे आप जरूर टिक चेकबॉक्स है इसे आप जरूर टिक रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आप एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसे हम एडिट पे क्लिक कर देंगे। एडिट पे क्लिक करने से ये होगा कि हमारा देखिए पहला पेज हो गया। अब हम दूसरा पेज यहाँ पर चेंज करके प्रिंटर में रख देंगे। उसके बाद हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा दूसरा पेज हमने रखा था पेन फॉर्म जो है उसके 2 पेज थे, तो दूसरा पेज हमारे यहाँ पर स्कैन हो जाएगा। उसके स्कैन होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि तीसरा पेज जो है जैसे कि पैन कार्ड को आप रखना चाहें तो उसे रख सकते हैं, या जो आपका वोटर आईडी है आप उसे रखना चाहें तो उसे रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि पैन फॉर्म जो था हमारा उसी में नीचे की तरफ हमने फोटोकॉपी निकाल लिया था अपने जो पैन कार्ड था उसका, तो यहाँ पर भी मैंने मोहर वगैरह सब लगा के कम्प्लीट कर लिया। उसके बाद तीसरा जो पेज हमारे पास है वो है हमारा आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड और जो हमारा वोटर आईडी है तो ये दोनों को मैंने एक पे ही फोटोकॉपी कर लिया था, तो वो भी हमारे वेरीफाई हैं। दोनों जगह पे हमने कस्टमर का अंगूठा लगवा लिया, दोनों जगह पे हमने मोहर भी लगा दी थी। तो ये तीनों पेज को हमने प्रमाणित किया है खुद से। आप देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पर अंगूठे का निशान लगा हुआ है ऊपर,
पैन फार्म में, और दो जगह हमने पैन कार्ड के फोटो कॉपी किया है, दोनों जगह पे मैंने अंगूठे का निशान लगवाया, साथ ही साथ मैंने अपनी मोहर लगा करके इसको प्रमाणित भी कर दिया। तो इसी तरीके से आपको तीनों पेज में कस्टमर का अंगूठे का निशान लेना है और तीनों पेज में आपको अपने जनसेवा केंद्र की मोहर लगाकर उसे प्रमाणित कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका जो पैन कार्ड है वो इससे बन जाएगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये आपका पैन फार्म जो था वो तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ से फ़ोटो को निकालेंगे, इसके लिए आप चेकबॉक्स को हटा देंगे, DPI को कर देंगे 300 क्योंकि आप फ़ोटो को क्रॉप करेंगे, JPEG में निकालना है, उसके बाद हम यहाँ से इस फ़ोटो को कर लेंगे सेलेक्ट। ओके, जितना हमें फ़ोटो यहाँ से निकालना है उतना फ़ोटो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा साइज़ का आप ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से इसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे आप कि स्कैन पे क्लिक करके इस फ़ोटो को आप कर लेंगे स्कैन। इस तरीके से आप देखेंगे फ़ोटो स्कैन हो गया। फ़ोटो के स्कैन होने के बाद आपको जो अंगूठे का निशान है उसे भी स्कैन करना है। तो इसको आप जहाँ पर भी जिस तरीके से चाहें, जैसे कि फ़ोटो पे यदि आप यहाँ से अंगूठे का निशान निकालना चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो जो दूसरा पेज है या कहीं पर अलग तरह पे अंगूठे का निशान लगा तो आप वहाँ से उठाएँ तो ज़्यादा सटीक रहेगा। अब इस अंगूठे के निशान को निकालने के लिए हम DPI को कर देंगे 600 और जो हमारा इमेज का टाइप है उसे हम कर देंगे ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में ही सिग्नेचर और अंगूठे के निशान ये सभी लगते हैं। उसके बाद इसे सिंपल सा हम कर देंगे स्कैन पे क्लिक करके इसे हम कर लेंगे स्कैन, ठीक है। तो हमारे तीनों डॉक्यूमेंट पैन फार्म, सिग्नेचर और फोटो, ये तीनों हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं फिर से वहीं पर कहाँ जहाँ पर हमारा पैन कार्ड का जो फॉर्म हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर हम चलते हैं। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से हम आ चुके हैं अपने पेज पर जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो सिंपल सा हम अपलोड पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद कस्टमर फॉर्म जो पैन कार्ड का फॉर्म था वो अपलोड करेंगे, उसके बाद में सिग्नेचर और यहाँ पर पिक्चर, ये दोनों चीज़ें हमें अपलोड करनी है। पिक्चर में आपको ध्यान रखना है 213x213 का पिक्सल रखना है, 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसी तरीके से जो सिग्नेचर है या आपका अंगूठे का निशान है तो वो 60 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अंगूठे का निशान यहाँ पर है, इसे हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं क्योंकि अंगूठे का निशान जो है इसका साइज ज़्यादा है, इसके साइज़ को हमें 60 KB से कम ही कम रखना है। तो इसे हम सिंपल सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम चेक करते हैं एक बार कितना साइज है, तो अभी कुछ साइज ज़्यादा है तो इसे हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं, उसके बाद हम इसे ओके करेंगे। फिर से हम इसको एक बार चेक करते हैं कि कितना साइज़ इसका हुआ है, तो आप देखेंगे अभी इसका साइज़ सही हो गया, तो इसे भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सिंपल सा क्लिक कर देंगे अपलोड पे, और यहाँ पर जैसे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करने के बाद हमारा जो सिस्टम है उसका एक नया टैब खुल जाएगा, उस नए टैब में हम यहाँ पर कंफर्म एक बार किया जाएगा कि यो डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। डॉक्यूमेंट के अपलोड होने के बाद, सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद आपको लगभग 10 से पहले तो शुरुआत में आपको 5 से 6 दिनों का वेट करना है, और आपने जो ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी पर आपका नया पैन कार्ड भेज दिया जाएगा, ई पेन एक भेज दिया जाएगा जिसमें आपका द्वारा लगाया गया फ़ोटो आएगा, जो पहले आधार कार्ड पर फोटो था वो फोटो भी चला जाएगा, आपका सिग्नेचर या अंगूठे का निशान जो भी आपने लगाया है वो आएगा, जो भी आपने उसे करेक्शन किए थे, अपडेट किए थे, वो सभी अपडेट होकर के आएंगे। और दूसरा आपको लगभग 1 महीने तक का वेट कर लेना है और आपके घर पर एक फिजिकल पैन कार्ड डिस्पैच हो जाएगा, जो कि कुरियर या बाई पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी है, उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी और अच्छी तरीके से समझ में भी आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी तरह की जानकारी आप आगे भी हमसे पाते रहना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो के नीचे आपको लाल का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके पास में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसे दबाकर ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आगे जितने भी वीडियोज मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उन सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलते रहें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।